जम्मू कश्मीर में किशोरों को लगा कोरोना का पहला टीका। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना रोधी टीका लगना शुरू हो गया है। प्रदेश भर में 880 केंद्र स्थापित किए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका शुभारंभ किया है। अन्य सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया घुसपैठिया। जम्मू के अन्य सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराने में सफलता पाई है। इससे पहले शनिवार को सेना ने बैच हमले की साजिश को नाकाम करते हुए एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया था। मारा गया आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू सेक्टर में बरामद किए हथियार, पाकिस्तान से भेजे जाने की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियार मिलने के बाद पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक बरामद हथियारों को सीमा पार से भेजा जा सकता है। कश्मीर में आज और जम्मू में कल से बारिश बर्फबारी के आसार। प्रदेश में 6 जनवरी तक मौसम रहेगा खराब। कश्मीर में सोमवार 3 जनवरी और जम्मू में 4 जनवरी मंगलवार से मौसम करवट बदलेगा। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में बारिश व पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। वैष्णो देवी यात्रा पर अहम फैसला, अब ऑनलाइन बुकिंग पर ही कर सकेंगे माता के दर्शन। पर्ची सिस्टम बंद, हादसे के बाद श्राइन बोर्ड ने उठाया कदम। वैष्णो देवी में भगदड़ के बाद 12 श्रद्धालुओं की मौत होने से उपराज्यपाल ने गंभीरता से इस मुद्दे को लिया। रविवार को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में तय किया गया है कि अब ऑनलाइन बुकिंग पर ही भक्त यात्रा कर सकते हैं। जम्मू के साथ कश्मीर में गतिविधियां तेज करेगी भाजपा। कश्मीर के 5 दिवसीय दौरे पर जाएंगे अशोक कोल। जम्मू संभाग के साथ प्रदेश भाजपा ने नए साल में कश्मीर संभाग में अपनी गतिविधियां तेज कर देने के लिए तैयारियां कर ली है। चुनावी तैयारियों को तेजी देने के लिए संगठन महामंत्री अशोक कोल कश्मीर के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कोलकाता में हड़कंप, 100 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। बंगाल में मिले 6000 से ज्यादा नए केस। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोलकाता के 3 अस्पतालों के 100 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित मिले हैं। राज्य में रविवार को कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की खतरनाक रफ्तार, बीते 24 घंटे में संक्रमण के लगभग 34,000 मामले, सक्रिय मरीज भी 1.5 लाख के करीब। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 123 लोगों की मौत हो गई है।